सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव खुशियाँ ही रहें, किसी तरह का कोई गम ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और इस सब के लिए हम तरह तरह के जतन करते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्रों का जाप भी करते हैं, विभिन्न प्रक्रियाएं करते रहते हैं। इन सभी के करने के पीछे होता है हमारे भाग्य के भाग का मजबूत होना। डेली हम जो रिचुअल्स करते रहते हैं, जो भी पूजा पाठ करते रहते हैं, उसका हमारे जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। यही हमारे दिन और हमारे भाग्य को तय करते हैं। मैं डेली तो आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, जो आपके हर दिन को लकी बनाते हैं। आज मैं आपको देने जा रही हूँ, इसमें सप्ताह के लिए आप अपने इस सप्ताह को कैसे लकी बना सकते हैं, उसके लिए आपको लकी कलर, लकी शब्द और साथ में मंत्र, जिसके जरिए आप इस पूरे सप्ताह में होने वाली किसी भी तरह की निगेटिविटी को समाप्त करके अपने लिए सप्ताह खुशियों भरा बना सकते हैं। तो दोस्तों, 13 तारीख से लेकर यानी 13 मार्च से लेकर 19 मार्च तक का सप्ताह आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाए, किसी तरह की कोई समस्या ना आए, तो उसके लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी यशोदोस्त ऐश्वर्या अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी यानी बेल के बटन को ऑन पर कर लीजिए, जिससे मेरे प्रतिदिन के सभी वीडियोज़ आपको समय से मिलते रहें। 3:11 पर अपलोड होने वाला विशेष वीडियो, 7:30 पर लाइव आती हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर, इन्हें भी करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हर सप्ताह में अगर हमको पता होता है कि आने वाला सप्ताह हमारे लिए क्या परेशानियां लेकर आया है, क्या इसमें लाभ मिलने वाले हैं, तो हमारी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, उस सप्ताह को हम इंजॉय कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, तो दुविधा में रहता है। और हमारा मानव मन है, ये चाहता है कि हमें भविष्य की चीज़ें हमें पहले ही पता चल जाए। जब पहले चीज़ें पता चल जाती हैं, तो हम उसी हिसाब से अपना दिनचर्या भी निर्धारित करते हैं। जो आज मैं आपको ये राशिफल का उपाय बताने जा रही हूँ, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके जन्मांक में जहाँ भी चंद्रमा बैठा है, वही आपकी चंद्र राशि होती है। तो इस उपायों को आप चंद्र राशि के आधार पर कीजिए। आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, तो आपका जो नाम अक्षर है, वो नाम अक्षर जिस राशि पर पड़ता हो, उस राशि के आधार पर आप इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए आने वाला सप्ताह सभी तरह की खुशियाँ लेकर आए और आपको किसी भी तरह की मानसिक, आर्थिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि इस सप्ताह चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करने के साथ में मकर राशि और कुंभ राशि तक जाएगा। इससे होगा क्या कि ये केमदुम दोष और साथ में विष दोष का निर्माण हो जाएगा। ये मानसिक तनाव तो देगा ही देगा, साथ में स्वास्थ्य की दिक्कतें भी दे सकता है। तो इसके लिए सभी राशियों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा मानसिक तनाव को लिए रहेगा। मैं जो उपाय दे रही हूँ, जो शब्द दे रही हूँ, इसे आप कर लीजिएगा, आपको इन सभी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। बात करती हूँ मेष राशि के लिए। मेष राशि को के जातकों के लिए हेल्थ, वेल्थ, उनका वैवाहिक जीवन, उनका साथ में आपका शिक्षा का क्षेत्र, आपका वाणी, सब कुछ आपके लिए आपके कंट्रोल में रहे, सब कुछ आपके भाग्यानुकूल होता रहे, तो आपको अपना शब्द लिखना है हनुमान वाला हा। रेड कलर के पेन से आप हनुमान वाला हा लिखेंगे लेफ्ट हैंड पर, साथ में ही लाइट कलर के क्रीम कलर, इसका जमकर इस्तेमाल कीजिए। और साथ में मंत्र का जाप आपको करना है ओम हन हनुमन्ते नमः। तो ये सप्ताह आपके लिए किसी भी तरह की कोई समस्या होगी रिमूव हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बात करूँ वृष राशि के लिए, तो वृष राशि के लिए जो इस सप्ताह शब्द बनता है वो है मदन वाला माँ। माँ शब्द को आप रेड कलर से हाथ पर लिखेंगे, साथ में ही लाल रंग का आप जमकर इस्तेमाल करेंगे, साथ में सूर्य को आप जल अर्पित करेंगे, साथ में ओम आदित्याय नमः मंत्र का सूर्य के सामने आप जल चढ़ाते हुए मंत्र का जाप करेंगे। ये सप्ताह आपको कैसी भी मानसिक तनाव दे रहा होगा तो समाप्त हो जाएगा। सप्ताह में आपके निर्णय अच्छे हो जाएंगे। हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, लव रिलेशन, आपका सब कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है। बात करूं मिथुन राशि के लिए।
मिथुन राशि के लिए भी ये सप्ताह आपके लिए हेल्थ वेल्थ, आपकी एजुकेशन, लव रिलेशन, आपके लिए सब कुछ आपके लिए बेहतर हो। उसके लिए आपको जो शब्द लिखना है वो है चंद्रमा वाला चा, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी लिखिए, येलो कलर के स्केच पेन से या हल्दी से भी आप लिख सकते हैं। पूरे सप्ताह लिखना है आपको और साथ में आपको मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे, सप्ताह में कितनी भी परेशानियां हो लेकिन आप उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। बात करूं कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह आपको हेल्थ वेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपकी लव रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच का जो है डिस्प्यूट वो समाप्त हो, आपके कोर्ट कचहरी सब कुछ आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। उसके लिए आपको टमाटर वाला टा लिखना है, आपको ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करना है और इसके साथ में आपको जो शिवलिंग पर आपको जल और दूध अर्पित करना है पूरे सप्ताह। तो ये सप्ताह आपके लिए सभी तरह की खुशियां लेकर आएगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो लकी शब्द है वो है नयन वाला ना, ना। इस ना शब्द को आपको मरून कलर के पेन से लिखिए या रेड कलर के पेन से लिखिए और इसके साथ में आपको जो जाप करना है वो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिलता है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये सप्ताह आपके लिए आपकी हेल्थ वेल्थ एजुकेशन सभी में आपको सफलता प्रदान करेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो शब्द बनता है वो है पतंग वाला पा या पवन वाला पा। इस पा शब्द को आपको लिखना है अपने हाथ पर ग्रीन कलर के पेन से और साथ में आपको जो मंत्र का जाप करना है वो है आपका ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आप पूरे सप्ताह जाप करेंगे, सप्ताह आपके लिए सभी तरफ से लाभ के रास्ते खोलेगा। हेल्थ है, वेल्थ है, एजुकेशन है, लव लाइफ है, हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, साथ में बच्चों का कैरियर, सब कुछ आपके लिए सेटल होता नजर आएगा आपको। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए जो शब्द बनता है वो है कमल वाला का, ग्रीन कलर के पेन से आपको लिखना है और साथ में आपको ओम गंगपते नमः। इस मंत्र का आपको डेली एक माला जाप करेंगे, गणेश जी को दूब घास अर्पित करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं लाएगा, ना आपको राहु परेशान करेगा ना केतु। साथ में चंद्रमा भी आपका अच्छा रहेगा और आपको सभी तरफ से हेल्थ वेल्थ एजुकेशन लव लाइफ रिलेशन सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। अगली राशि है वृश्चिक राशि, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही भ्रमण करेंगे तो आपके लिए जो शब्द बनता है वो है वरुण वाला वा और क्रीम कलर का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही आपको शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करना है और साथ में सोमवार वाले दिन आपको थोड़ा सा काला तिल भी अर्पित करना है। तो ये सप्ताह आपके लिए किसी भी तरह के मानसिक तनाव को नहीं आपको होने देगा, आपको किसी भी तरह का भय या आपकी जो लाइफ है किसी भी तरह का हेल्थ और वेल्थ इश्यूज आपको नहीं होने देगा, एजुकेशन में भी आपका मन लगेगा। अगली राशि है धनु राशि। आपके लिए जो कलर बनता है वो बनता है आपके लिए सॉरी जो आपके लिए शब्द बनता है वो ठा, ठठेरा वाला ठा। इस शब्द को आपको क्रीम कलर के सॉरी आपको लिखना है रेड कलर के पेन से, आपको ठठेरा वाला ठा लिखेंगे। इसके साथ ही आप ओम हन हनुमते नमः मंत्र का आप जाप करेंगे पूरे सप्ताह। तो ये सप्ताह आपके लिए हेल्थ वेल्थ एजुकेशन लव लाइफ आपकी फैमिली रिलेशन सभी को आपको मजबूत करेगा। अगली जो राशि है वो है मकर राशि। आपके लिए जो लकी शब्द बनता है वो है जलज वाला जा। इस जा शब्द को आप लिखेंगे ब्लू कलर के पेन से, लाइट ब्लू कलर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है और इसके साथ ही संध्या के समय आपको जाप करना है ओम शर्म शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की डेली आप एक माला जाप करेंगे तो ये आपको किसी भी तरह की आपको हेल्थ इश्यूज नहीं होने देगा, वेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, लव रिलेशन आपकी एजुकेशन सब कुछ आपकी ठीक रहने वाली है। अगली राशि है कुंभ राशि। आपके लिए जो शब्द बनता है वो घड़ी वाला घा, इसको आपको ऑरेंज कलर से लिखना है, आपको ऑरेंज कलर का ही आपको इस्तेमाल करना है, साथ में ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है संध्या के समय। आप नियमित ये काम करेंगे आपके लिए हेल्थ वेल्थ एजुकेशन धन आगमन के मार्ग खुलेंगे, आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए जो शब्द बनता है वो बनता है आपके लिए टमाटर वाला टा,
इस स्टार सप्तक को आप मरून कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से लिखिएगा और साथ में सूर्य को आप हल्दी डालकर जल चढ़ाएंगे ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके, तो ये सप्ताह आपको हेल्थ वेल्थ एजुकेशन लव रिलेशन और साथ में आपके लिए आपके फैमिली रिलेशन को भी मजबूत करता चला जाएगा। तो ये मैंने आपको उपाय बताए क्योंकि मैं यहाँ पर आपको समस्याएं भी बताऊंगी तो थोड़ा सा आप घबरा जाते हैं, यहाँ मैंने आपको उपाय दिए हैं जिससे कि आपको जो भी समस्याएं शॉर्ट आउट हो जाएं आपकी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को, कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव या वीडियो कैसा लगा आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा जरूर लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरे नंबर दिए हुए हैं 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं यानी प्रक्रिया जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण की क्या प्रक्रिया है, क्या आपको नियम फॉलो करने होते हैं, क्या आपको पेड करना होता है, सो उसके लिए आप इन नंबरों का सहारा ले सकते हैं। आपके जीवन में चल रही किसी भी समस्या का सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे सरल तरीके से देती हूँ जिसे आप घर में रहकर ही कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, सो जरूर एक बार कुंडली का विश्लेषण करा कर देखिए। आपको शुक्र यंत्र चाहिए या आपको बीसा यंत्र चाहिए या आपको भाग्योधिकारी आपको जीवन रक्षा कवच चाहिए उसके लिए भी आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसे अपनी लाइफ में खुश रहें कामना करते हुए विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूंगी आपसे 3:11 पर कुछ नया लेकर। धन्यवाद।